सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों में हुआ लैपटॉप का वितरण। सीएम की घोषणा से वोट बैंक प्रभावित, कार्यक्रम में बोले सिंचाई मंत्री डॉक्टर राव राठौर। कांस्टेबल काशीराम को धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, गाली देने का ऑडियो हुआ था वायरल। कन्या भ्रूण हत्या का विरोध, नोहर में कैंडल मार्च निकाला। अब समाचार विस्तार से। आठवीं, दसवीं और बारहवीं में बेहतरीन अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए लैपटॉप वितरण समारोह में सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सभापति राजकुमार हिसारिया, डीईओ मोहनलाल स्वामी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जोधा सिंह आदि मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। डीईओ मोहनलाल स्वामी ने बताया कि आठवीं, दसवीं और बारहवीं में बेहतरीन अंक हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। डीओ ने बताया कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 6000 तक की मेरिट वाले बच्चों को और प्रत्येक जिले में पहले 100 स्थान पर रहने वाले मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। समारोह में 1122 लैपटॉप का वितरण किया गया। इसके अंदर जितने भी बच्चे कक्षा 8 और 10 और 12वीं के अंदर 6000 तक की जो मेरिट में आए हैं वो, और इसके अलावा प्रत्येक जिले के अंदर 100 बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं के अंदर आई है, उनको ये आप लैपटॉप दिए गए हैं और कुल 1122 लैपटॉप दिए गए हैं। ये राजकीय विद्यालयों के अंदर 8 और 10 और 12वीं के अंदर जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको दिया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए ये एक योजना है, इसके अंतर्गत इन बच्चों को आज वितरित किया गया। लैपटॉप वितरण समारोह के दौरान सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने अपने अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर रामप्रताप ने बताया कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की योजना की मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो उन्हें लगा कि इससे तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, क्योंकि विद्यालय को क्रमोन्नत करवाकर तो वो अपना वोट बैंक पक्का करते थे, लेकिन बच्चों के विकास और शिक्षा को लेकर यह आवश्यक था। उन्होंने सीएम को मुक्त कंठ से सराहा। ग्राम पंचायत अपने विधानसभा में नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कोई एक जिसमें प्राइवेट स्कूल हो, अन्यथा हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10+2 स्कूल आज की तारीख, और जब ये स्कूल खोले गए सबसे बड़ी एक विचित्र घटना है। जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि सभी ग्राम पंचायतों पर जहाँ पर आपके प्राइवेट स्कूल नहीं है उनको क्रमोन्नत करके सेकेंडरी को सीनियर विद वन स्टॉप एक साथ, तो हमारे जैसे जो नेतागिरी करने वाले वो कह रहे हो साथ ही क्या करें। हमारे पास गांव वाले आते हैं, हमारा बारहवीं का स्कूल कराओ, पीछे पीछे घूमते, फिर हम आपके पास आते, फिर स्कूल होता तो वो हार में हमारे वोट पक्के हो जाते। सीएम साहब कह रहे हैं आपके वोट की नहीं, मुझे उन बच्चों की चिंता है, इसलिए सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पूरे राजस्थान में 10+2 स्कूल कहा गया कि मुझे हमें नए कमरे मिले। ये स्कूल मेरे ख्याल से अपने हम पढ़ते थे जब तो रेलवे वाला स्कूल होता था, और जी ने वो उसको कहीं ना कहीं कचोट की, क्योंकि आप तो एक क्लास रूम में पढ़ते हो, मैं जब पढ़ता था तो मैं एक में 3 क्लास रूम में पढ़ता, कैसे पढ़ता था कि पेड़ के नीचे पढ़ते थे। सुबह जब सूरज उगता था तब तो हमारा क्लास रूम की साइड में होता था, और दोपहर में जब सूरज ऊपर होता था तो हम बीच में आकर के वो टाट पट्टी लेके वहाँ बैठते वो क्लास रूम होते। शाम को जब गर्मी के टाइम में इधर सूरज जाता तो फिर इस साइड में आकर बैठ 3 क्लास रूम। कहने का भाव एक ही है कि हमारे पास में कोई कक्षा कक्ष नहीं होता जरूर कैसे, और शुरू शुरू में जब ये चला था तो मैं उस टाइम में एमएलए था सेकंड टर्म, मेरे मन में था ही मैं इसको सीखूँ तो मैं
खरीद के लिया और 40 या 42 हज़ार का आया, 3-4 साल बाद में वो 4-5 हज़ार का ही हो गया। अब वो मैं उसके सामने बैठे हूँ, बटन दबाता रहा हूँ, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं मिला। हार के मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, वो वैसे ही पड़ा गया। तो लैपटॉप ये चीजें हैं, इन बच्चों को सही तरीके और इसका मिस यूज नहीं होना। आज के वक्त में चाहे मोबाइल है चाहे आपके ये इस किस्म के साधन है, इनका गलत इस्तेमाल। लैपटॉप वितरण समारोह के दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों का कहना था कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अभिभावकों को दिया। वहीं लैपटॉप पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। की मेहनत से मिला है, मैंने भी बहुत अच्छी मेहनत की और मेरे 82.50% 10वीं में बने थे। इस कारण स्कूल की मेहनत अच्छी कराई थी, स्कूल में मेहनत में अच्छी कराई गई थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ से मैं आया। मैंने 77.20 12th आर्ट से प्राप्त किए। ये श्रेय मैं गुरुजनों और मेरे परिजनों को देती हूँ। मैंने कक्षा 10 में इस बार पास किया तो मैंने अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। मैंने अपनी कक्षा में 90.50% अंक प्राप्त किए जिससे मैं बहुत खुश हुई और इससे मैंने अपने माता पिता, अपने स्कूल, अपने पूरे गांव, अपने ब्लॉक और जिला का नाम रोशन किया। मैं 70-80% मार्क्स लाने पर यह लैपटॉप वितरण किया गया जिसका अच्छे से यूज करें। और जो ये मैं इस लैपटॉप को मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ से 10th क्लास में 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं और मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर से 10th क्लास की है और अभी मैं सामान पढ़ रही हूँ। मेरा यही सपना था कि एक दिन मुझे लैपटॉप मिलेगा और मुझे बढ़िया अधिकारी सम्मानित होना है और आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू। भादरा में विधायक संजीव बेनीवाल की हेगड़ी दिखाकर कांस्टेबल को गालियां देने के आरोपी प्रताप सिंह भूकर और सुनील भूकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को धमकी व गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। भादरा पुलिस थाना में कार्यरत कांस्टेबल काशीराम ने मुकदमा दर्ज कराया कि 30 मार्च को वह ड्यूटी पर राजकीय चिकित्सालय के सामने तैनात था। भादरा पुलिस थाना में कार्यरत कांस्टेबल काशीराम ने मुकदमा दर्ज कराया कि 30 मार्च को वह ड्यूटी पर राजकीय चिकित्सालय के सामने तैनात था। वहां सड़क पर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी से यातायात बाधित हो रहा था। गाड़ी के चालक सुनील भूकर ने मेरे साथ गाली गलौज की और गाड़ी टक्कर मारने का प्रयास किया। उसने इसकी सूचना ट्रैफिक इंचार्ज लक्ष्मण मीणा और भादरा थाना अधिकारी को दी। दूसरे दिन सुनील के चाचा प्रताप भूकर ने मुझे फोन पर गालियां दी और कहा जब तक संजीव बेनीवाल विधायक है थाने का कोई आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काशीराम ने अपने अधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दी। काशीराम ने भादरा पुलिस थाना में प्रताप सिंह भूकर व सुनील भूकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एएसआई बलवीर सिंह ने अनुसंधान के बाद दोनों को दोषी मानते हुए आज गिरफ्तार कर लिया। जब इस बारे में विधायक संजीव बेनीवाल से बात की तो उनका कहना था कि उनका प्रताप भूकर से कोई लेना देना नहीं, इसी प्रकार की कोई भी हरकत करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। 32-353-189-504 IP से उसमें मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई। तफ्तीश से सुनील कुमार प्रताप सिंह भूकर ये दोनों मुलजिम पाए गए, दोनों खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने के दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। नौहर में कन्या भ्रूण मिलने से न सिर्फ सनसनी फैल गई बल्कि आम नागरिकों में भी इस घटना को लेकर रोष है, लिहाजा नागरिकों ने रोषी स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। नौहर के नागरिकों ने टैगोर चौक पर भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कन्या भ्रूण हत्या रोको बेटी बचाओ आदि लिखी तख्तियों का प्रदर्शन करते लोग जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। कैंडल मार्च में संदेश दिया गया कि कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अपराध के साथ साथ कानूनन अपराध है, ऐसा करने वाले तथा करने वालों को दंड स्वरूप राशि के साथ साथ कारावास भी होती है। बेटी बचाओ आंदोलन सभी लोगों से जुड़ा है। मानवता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वे कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करें। ओरेन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी तथा वेलनेस जिसकी मूल उत्पत्ति कनाडा जैसे देश से है, ओरेन के विद्यार्थियों की मांग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है।
कनाडा, यूके, अमेरिका, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा अनेकों मुल्कों में अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। भारत सरकार की ओर से ओरेन को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए तस्दीक शुदा किया गया है। ओरेन के अंदर हाइजेनिक लेवल को बहुत ध्यान रखा जाता है और ओरेन के अंदर जो भी ट्रेनर है वो हाईली एजुकेटेड है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का सलोन भी चला रहे हैं हम और यहाँ पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। ओरेन एक इंटरनेशनल स्टेटस की एकेडमी है और इनके बाद इनकी जॉब की 100% प्लेसमेंट दी जाती है। मान प्लाजा, पहली मंजिल, मान मार्केट, बस स्टैंड के ऑपोजिट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले भर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। टाउन स्थित नगर परिषद रंगमंच पर प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इसमें विभिन्न समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सबने एक स्वर में डॉक्टर अंबेडकर को पिछड़ों का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने पिछड़े लोगों की आवाज बुलंद कर उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छी तरह से पता है उनके जब एक बार पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि अगर उनसे भारत की आजादी और दलितों शोषितों के खिलाफ जो अत्याचार होता है अगर उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो वो बोले कि जब तक दलितों शोषितों के साथ अत्याचार होता रहेगा तो मैं हमेशा उनकी साइड में खड़ा रहूंगा। देश की आजादी उस वक्त तक कोई मायने नहीं रखेगी जब यहाँ के जो मूलवासी है यहाँ के जो कई जगह नहीं होता, कुछ लोग नए आते हैं, कुछ पुराने छूट जाते हैं, फिर तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। चाहे उनके सोशल इशूज है, चाहे पोलिटिकल इशूज पे लिखा उन्होंने, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज पे लिखा, इकोनॉमिक्स पे लिखा, एवरीथिंग ही इज ए जीनियस एंड ही विल बी ऑलवेज ए जीनियस। तो डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़ के हस्ती जिनका आज पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जा रहा है, पूरे इंडिया के अंदर माना जा रहा है, उनके जन्मोत्सव पे उनके सम्मान के अंदर अपन यहाँ है, उनके बदौलत जो सम्मान मिला आज मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ। लोगों को अपने इतिहास के बारे, अपने महापुरुषों के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। तो बाबा साहब ने बात कही थी कि लो एम इज क्राइम, लो एम इज क्राइम। बाबा साहब ने कहा था कि छोटा लक्ष्य अपराध है। इसलिए मेरे स्टूडेंट साथियों से मेरा निवेदन है कि साथियों अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य है वो कभी छोटा मत रखना, क्योंकि अगर हम छोटा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और उस लक्ष्य को इतना ऊंचा रखना कि हम उसे प्राप्त करें तो उसके लिए हमें ऐसा टारगेट बनाएं, उसके लिए हमें ऐसी तैयारी करें ताकि उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए साथियों, स्टूडेंट साथियों के लिए विशेष तौर से मैं एक बात, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो इन चीजों से कतराते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि आज इस समिति द्वारा इतने ही लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। समाज के प्रबुद्ध लोगों का कहना था कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में न्याय से वंचित लोगों के प्रति दर्द था, इसलिए वे हमेशा उनके हितों को लेकर चिंतित रहते थे। आइए सुनते हैं कुछ खास लोगों के विचार। समाज के जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपने करियर में अच्छा किया है उनको प्रोत्साहित किया जाए और जो भी समाज के विभिन्न कार्यों में लोगों ने भाग लिया है, जो कुछ भी अच्छा किया है, उन सभी को सम्मानित किया जाए और समाज के जो लोग हैं उनको बाबा साहब के विचारों से अवगत करवाया जाए। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको जो है समाज के लोगों को अवगत कराया जाए। अम्बेडकर जो दलित मजदूरों के सनादे में से ही इन्होंने अपना जीवन यतीत करके और अब ये समझाया है, बताया है कि भाई कोई भी दलित मजदूर है या दलित परिवार से हैं वो ये न समझें कि भाई मैं पिछड़ चुका हूँ या मेरे कोई साथ नहीं है। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिली है कि पढ़ाई सबसे बड़ी अनमोल रतन चीज है। जो पढ़ लिख करके आज जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला कोषा अधिकारी हैं, हमारे जो है थानेदार हैं, SP DSP मेहरडा साहब यहाँ रह करके गए हैं,
तो सब पढ़े लिखे थे, तभी परिवार के साथ और समाज के साथ अम्बेडकर के समाज और समाज के जो समतुल्य व्यक्ति हैं वो ही आगे आते हैं, न कि पूरा भारत। मुझे इस बात की बड़ी चिंता भी है और पीड़ा भी है कि जिस भारत रत्न ने, जिस विश्व गुरु ने हमें ज्ञान दिलवाया, किसके खिलाफ? शिक्षा के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ। समाज में कैसे जो दुर्भाव है उसको दूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि भारत के संविधान के निर्माता जनक, और इस संविधान से कौन कौन क्या क्या पा रहा है उनको पता नहीं कि ये आपको कौन देके गया, न कि बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक को इन्होंने नहीं दिया, बल्कि अपितु भारत की उन तमाम महिलाओं को 1952 में जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया, उसके बाद सर्वप्रथम हिंदू कोड बिल लाया गया। हिंदू कोड बिल के अंदर जब बाबा जी ने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद अंदर और बाहर, संसद में और संसद के बाहर, दोनों तरफ आवाज़ें उठी कि एक ऐसा व्यक्ति हमारी शादी विवाह, हमारे अधिकार तय नहीं कर सकता जो व्यक्ति हमारे में से नहीं है। इस बात को लेकर भीमराव अम्बेडकर साहब तो चिंतित थे ही थे, उसके अलावा नेहरू जी ने यह संदेश पहुँचाया और एक पत्र दिया कि यदि ये बिल पास होता है तो अंदर और बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इस पर बाबा साहब ने अपना पद त्याग करने का भी निर्णय किया, और इस निर्णय को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और अपना हिंदू कोड बिल वापस ले लिया। उसी कोड बिल को चार भागों में तोड़कर और पार्लियामेंट में पेश किया गया। उस चारों भागों के अंदर आज जो अधिकार महिलाओं को संपत्ति में मिले हुए हैं, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़े हैं, देखने को मिला है भ्रांतियाँ हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए ही हैं। लेकिन मैं इस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि स्पेशल कोई विशिष्ट जाति के लिए भीमराव अम्बेडकर नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए भी हैं। आम जनता के लिए भी उन्होंने शिक्षा का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार, 18 वर्ष की आयु में मतदान करने का अधिकार और अपनी लोकतांत्रिक सरकार चुनने का अधिकार, ऐसे कई अधिकार भी बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने दिए, और इन अधिकारों के तहत आज हम इस जगह मौजूद हैं। और आज भी उन दिए गए अधिकारों को हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से भुला नहीं सकते। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसी भ्रांतियाँ को मन से निकालें। भाजपा जिला इकाई की ओर से भी बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। पार्टी नेताओं ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को सराहा और कहा कि भाजपा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों का अनुसरण कर रही है, यानी सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम किया। वक्ताओं ने बाबा साहेब को सराहा और कहा कि पार्टी बाबा साहेब की नीतियों का अनुसरण कर रही है। इस मौके पर बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। की मूल अवधारणा है कि सभी लोग समान पूर्वक सबको हक मिले, सबको न्याय मिले, इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम सब लोगों को मिलकर के दलित, पिछड़े, वंचित लोगों हैं उन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हक मिले, इसी बात को लेकर के सब लोग पधारे। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल की ओर से भी कार्यक्रम हुआ। जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, नगर मंडल अध्यक्ष पारितोष सारस्वत, दीपक खाती आदि ने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का प्रयास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी टाउन स्थित वार्ड नंबर 16 स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की जयंती मनाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंकर सोनी, सुरेंद्र बेनीवाल और प्रभु पचार आदि ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व को सराहा। संविधान रहेगा,
आज आज़ादी के बाद भी दलित वहीं खड़े हैं जो आखिरी लाइन में जानते हैं। दलितों के नाम पर राजनीति की जा रही है लेकिन दलितों को विकास नहीं किया जा रहा। आज बाबा साहब की जयंती पर इन सब लोगों से हमारा यही संदेश है और हम लोगों के लिए भी कि पहले सारे दलित शिक्षित हो, फिर संगठित रहें और संघर्ष करें, तभी कामयाबी होगी, अन्यथा ये राजनीतिक ग्रास बनते रहेंगे। जो समरसता के जाति पाति रहित समाज के और दलित और पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने के जो प्रयास करने का उल्लेख जो है बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने जो प्रयास किए थे वो तभी फलीभूत होंगे जब आज संविधान निर्माता के द्वारा संविधान में उल्लेखित एक एक वाक्यांश का जो है पूर्णतः पालना की जाए। हर भारतीय नागरिक जो है वो संविधान की पालना करे और संविधान की पालना करवाने वाले जो लोग हैं वो भी उसी रूप से जो है उसकी पालना करवाई। लखनऊ की ओर से टाउन और जंक्शन में बाबा साहेब की जयंती पर रैली निकाली गई। प्रतिनिधियों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए और विभिन्न मार्गों से होकर रैली निकाली। आइए दिखाते हैं अंश। चौदह अप्रैल 1944 का वह शुक्रवार जब मुंबई के विक्टोरिया डाक क्षेत्र सेना के विस्फोटक सामग्री में आगजनी का शिकार हो गया। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन के सैकड़ों कर्मी जुट गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया लेकिन इसमें 66 दमकल कर्मी शहीद हो गए। संयोग है कि आज न सिर्फ 4 अप्रैल है बल्कि शुक्रवार भी, लिहाजा नगर परिषद में दमकल कर्मियों ने शहीदों को याद किया, दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। दमकल प्रभारी अशोक शर्मा ने कहा कि दमकल कर्मी आग से खेलने में माहिर हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है, इसमें वे कभी पीछे नहीं हटेंगे।
शिक्षाविद डॉक्टर संतोष राज पुरोहित के पिता जगदीश राज पुरोहित का निधन हो गया। उन्होंने सिविल लाइन्स स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वे काफी अरसे से बीमार थे। सूचना मिलते ही राज पुरोहित के आवास पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। सरदार शहर के पास स्थित पैतृक गांव में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें हनुमानगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली से आई नाबालिग के साथ हुई दुराचार प्रकरण में पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति जारी है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रकरण में पुलिस से होटल संचालकों सहित उस हर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है जो इस प्रकरण में शामिल है। इसलिए साथियों, हमारी आज की एक मांग और है कि लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, अगर कोई प्रबुद्ध नागरिक दिन दोपहर को भी पारी कॉलोनी जाना चाहे, इंदिरा कॉलोनी जाना चाहे, तो वो आदमी सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच सकता। इतनी गुंडागर्दी, अभी पिछले शनिवार की बात है, हमारा एक छोटा बच्चा, ये वहां काम करता है पारी कॉलोनी में हमारे एक साथी के पास, शाम को आ रहा था, शाम का 7-8 बजे का टाइम होगा, और वहां जो गुंडा टाइप के लोग हैं, वो करते 4-5 इकट्ठे हुए, पकड़ा, गला दबाया, जितने जेब में पैसे है जितने भी हो वो निकालिए, मोबाइल निकालिए, रोज की घटनाएं हैं। यहाँ शिकायत करो, कोई सुनने वाला नहीं। आज हम इसलिए कहने आए हैं कि इस स्थिति, ऐसी स्थिति को हनुमानगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारी आज की डिमांड है कि एक पुलिस चौकी वहाँ परमानेंट, वहाँ पुलिस चौकी बननी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जिस प्रकार से उसको उससे वेश्यावती करवाई गई और जो हालात आज शहर के पैदा हुए, उसके बाद हमारी ये मांग है इस संघर्ष समिति की तरफ से कि अभी ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ सफ़ेदपोश लोगों को बचाना चाहती है, और हमारी ये मांग है कि तमाम वो लोग जिन्होंने उस बच्ची के साथ जुल्म किया है, वो तमाम लोग इसमें, वो इस कटघरे में उनको यहाँ का पुलिस प्रशासन खड़ा करे। और हालात सिर्फ ये मामला नहीं है, बाकी भी हालात हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के पूरे इलाके की ठीक नहीं है। यहाँ जगह जगह अवैध जो नशा है उसका कारोबार है, मेडिकल नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है, तमाम अवैध धंधे यहाँ फल फूल। 14 वर्ष की एक बालिका जिसको दिल्ली से ला करके यहाँ बेचा गया, और उसके एक माह तक, एक महीने तक जिन लोगों ने दरिंदगी की है उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में यहाँ पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन रखा गया है, इस बात के लिए कि उस बच्ची को न्याय मिल सके। पुलिस जिन बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, पुलिस की वो तमाम चीज़ें हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर है। दुराचार के हर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। डीएसपी ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था और अवैध धंधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। कॉमरेड व अन्य संगठनों के आम सदस्य समिति के सदस्यों ने थाना के सामने रोज मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया, और इन्होंने ये मांग रखी कि इस मुकदमे में जो भी पेंडिंग मुकदमे में जो मुलजिम है या अन्य कोई मुलजिम और बाकी रह गए हैं तो उनको गिरफ्तार करें। पुलिस इसमें सजगता से काम कर रही है और काफ़ी मुलजिमों को अरेस्ट किए हैं, और फिर भी अनुसंधान जारी है। सीओ साहब अभी आज बाहर पधारे हैं, आने के बाद अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक बयानों के आधार पे होटल मालिकों प्लस उस लड़की के साथ जो भी जिन्होंने दुराचार किए हैं, लगभग काफ़ी मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, और भी गहनता से पूछताछ के आधार पे जल्दी देखा हो अगर इसमें और भी कोई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।